दोस्तों आपां सब ने देखिया कि पिछले दिनों विच जिहड़ा पंजाब दा राजनीतिक म्यार है वह काफ़ी गिरिया वा। परसनल अटैक्स एक दूजे दे उत्ते ओपोजिशन वल्लों भगवंत सिंह मान ते फिर भगवंत मान दा कल जवाब देना, और इस गल नाल मैं सहमत हाँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि परसनल अटैक्स की बजाय, निजी हमलों की बजाय मुद्दों ते राजनीति होनी चाहिए। हुण अज तुहाडे सन्मुख मैं दो मुद्दे रखना चाहुंदा और भगवंत सिंह मान नूं पुछना चाहुंदा कि यह तो मुद्दे मानते हैं ना तुसीं। एक कटारू चक दा जो शरीरक शोषण किया उसने पिछले दिनों में एक नौजवान का, और वो पुख्ता वीडियो सबूत गवर्नर ने वेरीफाई करके पंजाब सरकार को भेजे हुए हैं। तो दूसरा मुद्दा हैगा पंजाब दे विच प्रेस की आज़ादी, जो पिछले दिनों बरजिंदर सिंह हमदर्द और उन्होंने अदारे अजीत उत्ते जिस ढंग का विजिलेंस का हमला किया गया, असी विजिलेंस की किसी भी तहकीकात के खिलाफ नहीं गए। पर फिर दिल्ली चीका मत मारो जदों मनीष सिसोदिए या सतेंद्र जैन या अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेट करती है CBI बहुत व्डे शराब घोटाले सैकड़ा करोड़ों के, फिर तुम उत्ते धरने मार दो शोर मचा दो। सो पहला मैं गल करना चाहना वा कटारू चक के मुद्दे की। तुम सब याद होगा कि मैं पहली तारीख न पहली मे न गवर्नर पंजाब नू दो अश्लील वीडियोज़ कटा लाल चंद कटारू चक दियाँ उन्होंने सौंपियाँ, सोशल मीडिया से नहीं पाइया क्योंकि वो बड़ा माड़ा इफेक्ट जाना सगा। गवर्नर पंजाब ने उन्होंने तस्दीक की, फोरेंसिक लैब चंडीगढ़ को उन्होंने वेरीफाई कराया और उन्होंने पहली चिट्ठी लिख के भेज दी पहले हफ्ते मे के भगवंत मान कि ये प्रॉपर कार्रवाई की जाए। उस चिट्ठी के उत्ते SIT बना दी गई, एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम 3 मैंबर्स की। लेकिन मैं पूछना चाहना भगवंत सिंह मान उन्होंने कि पिछले 45-50 दिन तो अज तक SIT ने मिनिस्टर बुलाया तक नहीं गा। बेसिक लॉ हैगा कि जो भी कोई पुलिस को शिकायत जाती है उन्हें पहला एक्यूज़ लभना, उसकी बयान रिकॉर्ड करनी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, उसकी इंटरोगेशन करनी। लेकिन अज तक SIT ने ना कटारू चक नूं बुलाया ना उन्होंने वीडियोज़ कन्फ्रंट की कि वीडियोज़ तेरियां हन कि नहीं हन। बस यही कही जाते कि वह निजी मामला है जी, ये निजी मामला नहीं गा मान साहब, ये कटारू चक का एक अपना परिवार है ऑलरेडी और वह एक पब्लिक लाइफ विच उसका कोई भी कंडक्ट जिहड़ा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पैंदा अपने नौजवानों ते पंजाब दे लोकां ते आम जनता ते। और सेम सैक्स मैरिज अज तक सुप्रीम कोर्ट में उसका चल रही बहस चल रही, लेकिन अज तक गैर कानूनी है। हुण तक अज जिथे आप गल कर रहे गैर कानूनी है, सेम सैक्स मैरिज गैर कानूनी। लेकिन कटारू चक ने एक नौजवान नूं सोडमाइज किया, उहदे नाल भैड़ी अश्लील बदफैली की। उस नौजवान ने पहला जाके SC कमिशन का दरवाजा खड़काया दिल्ली, SC कमिशन ने पंजाब सरकार नू नोटिस दिता कोई कार्रवाई नहीं। फिर उस नौजवान ने शायद उहदा नाम केशव आ, उसने फिर SIT नू चिट्ठी लिखी कि तुसी मेरे बयान दर्ज कर सकते हो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते अवेलेबल हाँ, मेरी जान नू खतरा वा, कोई कार्रवाई नहीं। हुण SC कमिशन ने 3 नोटिस भेजे ने कि सानू दस्या जावे तुहाडी एक्शन टेकन रिपोर्ट की, ATR कोई एक्शन नहीं। पंजाब के गवर्नर ने 3 चिट्ठियां लिखतियां पंजाब के चीफ मिनिस्टर नूं कि कटारू चक नूं डिसमिस किया जाए, वो खिलाफ़ कार्रवाई की, कोई एक्शन नहीं गा। कि यह आम जनता का तो पंजाब का मुद्दा नहीं गा कि इस एदा मतलब कि जिहड़े ताकतवर लोग ने वो अपनी शक्ति का दुर इस्तेमाल करके कोई भी कार्रवाई कर सकते। और मेरी तो जानकारी मुताबक जिहड़ा वो नौजवान हैगा वो पिछले काफ़ी दिनों तो सरकार दे कोल आ और वो पंजाब दे विच आ, वो पॉसिबली SIT की कस्टडी चाहू प्रेसराइज करके गलत मलत बयान दवाना चाहते हैं, तो मंत्री नू क्लीन चिट दवाना चाहते हैं। सो मान साहब ये तो किसी कोई निजी हमला नहीं गा, ये तो एक मिनिस्टर दे सैक्शुअल मिसकंडक्ट का एक बहुत व्डा पब्लिक इशू है। आई होप कि तुम आने वाले दिनों ये कार्रवाई करो।